सिलाई करे ले सैया सिलाई करे ले। प्लाजो पैंट कैसे कटिंग करें? जी हाँ दोस्तों, आज हम जानते हैं कि प्लाजो पैंट कैसे कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमको कम से कम 2 मीटर कपड़ा चाहिए। इसके अलावा जो है ये स्केल हो गया, चौक मिट्टी, कैंची, इंची टेप, तो एक निशान लगा देते हैं यहाँ पे ऊपर में, 2 फुट और लगा देंगे। अब हम लंबाई नापेंगे, ऊपर से 1.5 इंच छोड़ देना है, यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई है 39 इंच, तो हम 39 इंच पे निशान लगा देते हैं। और ये थोड़ा कैमरा में कम दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाद में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम नापेंगे जांग कितना है, जांग इसका जो है 28 इंच है, तो 28 का 1/2 में 14 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ को इसी तरह से फिर नाप लेंगे हम, ये जो है लिया इसको नाप लिए। अब जो है एक सेंटर का निशान लगा देंगे हम, इस तरह से मार्क कर देंगे ताकि ये बीच का सेंटर हो जाए, ये बीच का सेंटर हो गया। अब जो हम ये हिप के निशान लगाएंगे, तो इसका हिप है 52 या 52 इंच, 52 इंच का चौथाई पर निशान हम लगा देंगे, ये चौथाई पर निशान लग गया। उसके बाद एक और ये मार्क हो गया। अब जो है कैमरा में थोड़ा कम दिख रहा है, तो इसको कैमरा हम थोड़ा सा घुमा देते हैं, अब थोड़ा शायद आपको दिख रहा होगा। तो अब एक हम निशान लगाएंगे, ये नीचे बॉटम का यानी मोरी का निशान हो गया, जगह कम होने की वजह से थोड़ा कम दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखेंगे हम, अगले वीडियो में इसको जरूर इसको देखेंगे हम। ये 13 इंच की इसका मोरी है, यानी बॉटम इसका 13 इंच है, 13 इंच हम मार्क कर दिया। और इधर भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो नो मजा नहीं आ रहा है भाई वीडियो में। चलिए इसका हम दूसरे वीडियो में पूरा पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको पूरा दिख सके। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये साइड का निशान हो गया, इस तरह से लग गया। और यहाँ पे एक निशान हम लगा देंगे, उसके बाद जो यहाँ से लेकर जरूर से नीचे तक एक निशान लग जाएगा, ये मार्क हो गया। अब निशान लगकर रेडी है, निशान रेडी है, तो अब हम कटिंग करेंगे। ये ऊपर का नीचे का भाग हो गया, तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। यह कैंची, अब हम कटिंग करते हैं इस तरह से, कटिंग करेंगे। थोड़ा सा कटिंग करके निकाल लेंगे हम, थोड़ा सा कटिंग करके ये गजरी का भाग है निकल जाएगा। और हम नीचे से निकाल देंगे, निकल गया, ये सब वेस्टेज रहा, वेस्टेज में हटा देता हूँ। अब इस तरह से ये डबल फोल्ड कर देंगे ताकि ये सेंटर मिल सके, और साइड को हम कैसे कटिंग करके निकाल लेंगे, साइड को कैसे कटिंग करके हम निकाल लेंगे। ये साइड कटिंग हो गया, अब ये दोनों पल्ला बराबर है,
सिंह, और जो है इसको हम पलट के देख लेते हैं, डन है ये। और इस पैंट में साइड में दोनों साइड पॉकेट होगा, तो पॉकेट का हम मार्क कर लेते हैं यहाँ से 6.5 इंच, ऊपर से 1.5 इंच बात करेंगे, नीचे 6.5 इंच बात करेंगे, 6.5 इंच का ये पॉकेट हो जाएगा। अब एक कैंची से जो है इसको चक्का लगा देते हैं ताकि ये दोनों पल्ला में दिख सके। ये पैंट कटिंग करके रेडी है, ये नीचे मोरी का निशान है, तो इसकी गरारी से हम मार्क कर देंगे कि चारों चारों कपड़े में ये निशान उग सके। ठीक है, अब ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि दोनों पल्ला पे निशान आ गया है। ये पैंट कटिंग करके रेडी है, प्लाजो पैंट कटिंग करके रेडी है। ये हो गया ऊपर का भाग, ये भी हो गया, यहाँ पे पॉकेट होगा तो मैं पॉकेट लिख देता हूँ ताकि बाद में याद रहे। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा हो तो आप पे हमें अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कुछ कमी हो तो वो भी बताएं हमें कमेंट करके, वो कमी को मैं दूर करना चाहूँगा। ओके, धन्यवाद, थैंक्स वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।